नमस्कार, मैं बीपी विश्वास, हमारा चैनल विश्वास 9943 का तरफ से आपको सामने खड़ा हुआ हूँ। आज ये हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है और बिलासपुर का भुदोरी मार्केट, जो हमारा रेलवे मार्केट है, परिचित मार्केट है, बहुत व्यस्त मार्केट है, उसी जगह में मैं खड़ा हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर इधर ये अवस्थित है, मैं उसको मंदिर के सामने आ चुका हूँ। 1921 में ये मंदिर प्रतिष्ठित हुआ था। जगमल जो चौक आज का दिन में है, तो वही जगमल शेठ थे एक ज़माना में, बिलासपुर में बड़े धार्मिक और परोपकारी, तो उनका हाथ से ये मंदिर निर्मित हुआ था। आज ये मिश्र जी और उसका माता जी, उसका स्वर्गीय पिताजी भगवान मिश्र जी, उनका पिताजी का नाम, ये लोग मिल के ये मंदिर को इतना दिन से सेवा करते करते आज इस भव्य रूप में लेके आया। लेकिन इसका बीच में, इसका 2010 में हमारा बिलासपुर का एक विप्र समाज इसको एक भव्य रूप देने में सहयोगिता किया था। आप सुनेंगे पंडित जी आप लोग को, महाराज जी आपको बताएगा उसका भाष्य में। अभी मैं मंदिर में सामने खड़ा हूँ, बाहर से मंदिर को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। बिलासपुर बाजार का अंदर में इतना बिजिएस्ट मार्केट है, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रास्ता के एक साइड में हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसका बगल में एक हनुमान जी का भी मंदिर है। मंदिर का प्रवेश द्वार का दाहिने हाथ में हमारा हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है और बाएं हाथ में हमारा स्वयं शिव विराजमान है। राइट में हनुमान जी, बाएं हमारा शिव जी। अभी अंदर प्रवेश करने के बाद एक छोटा सा आपको हॉल मिलेगा, हॉल का उपरांत उस हमारा नरो नारायण और लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है, तो तीनों देव देवी उधर अधिष्ठित है। मैं ये बाहर का नज़ारा दिखा रहा था आपको, ये सराउंडिंग्स जो है हमारा मंदिर का कैंपस बोलिए या परिसर बोलिए, ये है। अब कौन प्रतिष्ठा किया उसको भी लिखा भी है और कब इसको रिनोवेट किया गया था वो भी बगल में लिखा है। ये हमारा आज का जो महाराज है उसका माताश्री है, इंदिरा मिश्रा जी, माता जी इंदिरा, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा मिश्रा। दीर्घ दिन से हमको जो बताया गया है, दीर्घ दिन से ये हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का सेवा करते जा रहा है। बहुत दिन पहले उसका हस्बैंड, उसका स्वामी भगवान मिश्रा जी शरीर छोड़ के चला गया था, उसके बाद अकेला लड़ते हुए संतान को प्रतिपालन भी किया। आज वही संतान नारायण मिश्र जी आज ये मंदिर का महाराज रूप में विराजमान है, उसका मुख से भी कुछ सुनूंगा। यही हमारा नरो नारायण एवं लक्ष्मी मूर्ति है, आप देख रहे हैं बड़ा भव्य मूर्ति है और परिसर भी बड़ा शांत। इधर आके बैठने से आपको मन तो शीतल होगा, अशांत मन को शांत करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप आइए, इधर बैठिए, पूजा पाठ कीजिए, उसमें कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। माँ जैसा इधर हमारा अच्छा सज्जन भी है, उसका लड़का जो महाराज नारायण से नहीं सज्जन है, नारायण लक्ष्मी जी, आप दोनों साइड में नर, अच्छा नरो नारायण और लक्ष्मी जी, ठीक।
नारायण लक्ष्मी कहानी, तीन देव देवी हमारा इधर प्रतिष्ठित है, नारायण तो वो अपना बद्री आश्रम में आप तपस्या किए, नर नारायण ठीक उन्हीं का सीन यहाँ ठीक, और बाजू में लक्ष्मी जी है बाएं हाथ में ठीक उनका मूर्ति। जब भगवान जो श्री कृष्ण जी चले गए थे तो उनके बाद में भगवान नर नारायण तपस्या किए, जागृत किए भक्ति बैराग को, हरिद्वार से त्रिगुणा हुआ। अब देखिए भुदोरी मार्केट के अंदर में ऐसा एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भव्य ढंग से सुचारू रूप में ये परिचालित हो रहा है ये परिवार द्वारा। माँ जी तो सेवा में नियोजित है, मैं देखा हूँ, मैं दो चार दिन से आने लगा हूँ, मैं देखता हूँ माँ उसका सेवा करते रहते हैं सुबह उठ के, ये उम्र में भी कोई काम नहीं रखा। इधर मारो नारायण और लक्ष्मी की मूर्ति 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 है, और इसके साथ साथ इधर गौ सेवा भी हो रहा है, इतना भव्य मंदिर है भुदोरी मार्केट में। बीच बीच में मेरे घर के बच्चे लोग त्योहार पाठ में सब में पूजा पाठ करते वही लोग हैं। ठीक। शताब्दी प्राचीन ये मंदिर है, 1921 आज 2023 ये करीबन 102 साल हो गया है भव्य मंदिर। इसको भव्य बनाने में हमारा आंध्र विप्र समाज का एक बड़ा रोल है। ये 2010 में ये लोग इसको रिनोवेट किया था, नवीनीकरण किया था, और आज इतना भव्य रूप में चल रहा है, सुचारू रूप में चल रहा है। सामने आप देख रहा है नर नारायण और लक्ष्मी जी का हमारा भव्य मूर्ति, हम लोग इसको लक्ष्मी नारायण मंदिर बोलते हैं। अभी पंडित जी हमारा हनुमान जी को सेवा कर रहा है। ये मंदिर में जब मूल मंदिर में आप जब प्रवेश करेंगे, राइट साइड में हमारा हनुमान जी है और बाएं साइड में हमारा महादेव जी है, स्वयं शिव बाएं अवस्थान कर रहा है, दाहिने हनुमान जी कर रहा है, इसका पूजा चल रहा है। सुनिए पंडित जी हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, पूजा अंत में मैं महाराज जी के साथ थोड़ा बातचीत भी किया हूँ। महाराज नारायण मिश्र जी बहुत पूजा मंदिर के बारे में बताया है, चलिए पूजा अंत में हम लोग उसको श्रवण करेंगे, थोड़ा साथ में रहिए अंत तक। सकल गुण निधानम नमामि बानराणाम धीशम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम नमामि वात जातम नमामि। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात सभूमि गं सर्वतः स्थित्वा तेष्ठद सांगुलम पुरुष एवेदकं शरवं यद् भूतं यद् भाव्यम्। महाराज का वेद मंत्र से आज का वाक्यालाप शुरू कर रहा हूँ, चलिए आप लोग सुनिए, अंत तक रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा चैनल विश्वास 993, मैं बीपी विश्वास बोल रहा हूँ। हमारा सामने महाराज नारायण मिश्रा जी बैठा है, उसका पिताजी भगवान मिश्रा जी है, स्वर्गीय है, और उसका माता श्री है श्रीमती इंदिरा मिश्रा, उसका एक सुपुत्र है हमारा नारायण मिश्रा जी। नारायण मिश्रा जी मैं आपको पूछूंगा, नमस्कार आपको, ये मंदिर कब प्रतिष्ठा हुआ था? ये मंदिर हमारे बिलासपुर का बहुत काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है। मैं सुना हूँ ये प्राचीन, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। यह वैशाख शुक्ल पक्ष संबत 1981 में इसकी प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा भगवान जी की हुई है ना। उसके बाद 2010 में नवीनीकरण भी हुआ था। जी हाँ जी, ये हमारा हमारे विप्र समाज के जो है उनके द्वारा, फिर चूंकि काफी पुराना 100 साल का मंदिर होने वाला है तो काफी जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था, तो उस समय इनके द्वारा फिर विप्र समाज जो आंध्र विप्र समाज है हमारे बिलासपुर के, उनके द्वारा यहाँ पर फिर इनका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया गया। बहुत सुंदर। आज
कुछ आपको आपको पिताजी का क्या भूमिका था, इतना धीरे धीरे ये मंदिर को इतना आगे बढ़ाया, उसके बाद आपको माताजी से मैं बातचीत कर रहा था जी, देखो 18 साल आपको बड़ा भी किया, साथ साथ नारायण का भी सेवा किया जी, इसे सुपुत्र मिला तो थोड़ा चर्चा कीजिए, सब सुनना चाहते हैं जी। ये हम आज़ादी से पहले का बना हुआ मंदिर है बिलासपुर का, साल कितना बना है बस? संबत 1981 1981 संबत 2079 चल रहा है, मतलब कि समझ लीजिए 1921 में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था 1921 जी। जो वेंकटेश्वर मंदिर जो है आप देखे होंगे वहाँ सदर बाजार में, सदर बाजार में जी जी मैं गया था, हाँ उसी के समकक्ष ही भी बना हुआ मंदिर है। और रेलवे का एक बहुत प्राचीनतम मंदिर इस एरिया का मंदिर, तो उसमें क्या था कि हमारे एक सेठ जी हैं जो जगमल, आप जगमल ब्लॉक सुने होंगे बिलासपुर में, तो वो जो जगमल ब्लॉक जो एरिया है वो सेठ जगमाल गांग जी उनके नाम से ही नाम से पड़ा हुआ है। तो जो ठेकेदार थे सेठ जगमाल गांग जी उन्हीं के द्वारा, उनके कोई सुपुत्र नहीं थे, तो उन्हीं का उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक मंदिर प्रतिष्ठा किया जाए, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया। सचमुच 1921 जी, और ये हमारा है 2023, 100 साल का आसपास होने जा रहा है। तो मैं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में भारत में घूम रहा हूँ, तो प्राचीनतम मंदिर का खोज में जा रहा हूँ, तो देखिए हमारा घर का अंदर में इतना प्राचीन है मंदिर है और वो भव्य ढंग से है जी। और आपको माँ का उम्र भी हो गया 70-75 साल का हो गया है, सेवा में एकदम माने नियोजित है जी, बोलना पड़ेगा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे जो दादाजी थे मेरे श्री राम कृपनाचार्य महाराज जी, बढ़िया उन्हीं को जो सेठ जी बनाए हैं मंदिर जो बनवाए थे उन्हीं के द्वारा फिर उनको पुजारी नियुक्त किया गया था यहाँ पर, उनके द्वारा फिर पूरा आजीवन अपना निर्वाण होने तक उन्होंने अपना सेवा किया। उसके बाद फिर उन्हीं की परंपरा को हमारे पिताजी भागवत प्रसाद मिश्र जी उनके द्वारा अपने जीवन पर्यंत उन्होंने भी भगवान की सेवा की और उन्हीं की परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में या सभी जगह अभी धार्मिक प्रवृत्ति का उत्थान हो रहा है जी 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 जी, तो यही चाहते हैं कि सभी जो हमारे हिंदू भाई बहन धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान की सेवा में जहाँ भी ऐसे मंदिर पुराने हैं प्राचीनतम मंदिर हैं उनके अगर वहाँ कुछ कमी है या कुछ उनको वहाँ के उत्थान के लिए कुछ आ सकता है ऐसे जगह पे जाए, आप जैसे कि खुद ही ऐसे सभी मंदिरों में जा कर के उसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका एक व्यू है। देखिए विश्वास से ना हमारा श्रद्धा आता है जी, और उस श्रद्धा का रास्ता से चलने से भक्ति आता है जी, तो ये जो भक्ति मार्ग में आप जो चल रहा है और सबको आने के लिए आवाज, देखिए मैं हमारा चैनल के थ्रू से नहीं आप लोग को मैं बोला हूँ, बिलासपुर बुक में बुधरी मार्केट के अंदर में ऐसा एक भव्य मंदिर है लक्ष्मी नारायण मूर्ति, उधर नारो नारायण लक्ष्मी जी तीनों ही अधिष्ठित है, आप लोग आइए दर्शन कीजिए और आध्यात्मिक आनंद लीजिए। नर और नारायण की कथा आपने तो सुना ही होगा, फिर भी बोलिए ना। ये श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में इनकी कथा का पूरा वर्णन किया गया है। ये ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से धर्म का उत्पन्न हुआ था, उन्हीं के पुत्र थे नर और नारायण, उन्होंने दंड का दारुकावन जिसको आजकल हम द्वारिका के तो दारुकावन हिमालय में वहाँ पर जाके तपस्या किया था, उनकी तपस्या के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन दोने लगा था, तो उन्होंने अप्सराओं को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन अप्सराएं भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकी, वरन हमारे नारायण भगवान जो नारायण जी थे उन्हीं ने उर्वशी को बोला कि उन्होंने बोला कि आप इतनी सुंदरी हैं यहाँ पर आई हूँ अपनी तपस्या भंग करने के लिए, वो तो मेरे जान के नीचे में रहती हैं, उन्होंने उर्वशी को उत्पन्न किया और उर्वशी को उन अप्सराओं के सामने प्रकट किया, इसलिए उनका नाम उर्वशी क्योंकि उर्वा जंग से उनका जन्म हुआ था, बोले देखिए आपसे भी ज़्यादा सुंदर है ये जो मेरे नीचे में जंघा के नीचे में रहती है। तो फिर उन्होंने फिर जितने अप्सराएं जो आई हुई थी इंद्र द्वारा भेजी गई थी उन्होंने फिर उनसे क्षमा प्रार्थना किया और फिर वो बोले कि जाओ मेरी तरफ से इंद्र को ये भेंट देना जो मेरा तपस्या भंग करने के लिए भेजते,
तो इसका विभिन्न पुराणों में इनका वर्णन है, ये जो नर और नारायण थे, बाद में जो नारायण जी है वो कृष्ण का रूप द्वारिका में द्वापर युग में लिए हैं, और जो नर है वो अर्जुन के रूप में उनके सखा के रूप में उत्पन्न हुए। कितना बड़ा इन्फॉर्मेशन है, नौ लोग बाद में हमारा द्वापर में भी तो कृष्ण बने थे, और जो नर है वो अर्जुन के रूप में भी उनका जन्म हुआ था। जी जी, धन्यवाद आपको इतना सुंदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सबका हमारा नमस्कार। आप लोग नारायण मिश्र जी का सुन रहे थे। मैं ये द्वापर युग, भगवत पुराण, षष्ठ अध्याय सब उनका सुन रहा था। जो हमारा नरो नारायण और लक्ष्मी मंदिर जो है, ये हम लोग नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर बोल रहा हूँ, इसमें नरो हमारा जो है वो भगवत पुराण का षष्ठ अध्याय में महाभारत में उसको हम लोग अर्जुन रूप में हम लोग को मिला था, और नारायण को हम लोग को मिला था श्री कृष्ण का रूप में। यही इसका निज्यास है। सबको मेरा आध्यात्मिक नमस्कार।